क्रिप्टो करेंसी यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में आपका स्वागत है। हम जो भी रिसर्च आपको देते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ से है, बाई एसल करने की एडवाइस किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कल रात की जो मैंने अपडेट की थी, जिसमें आपने शीर्षक देखा होगा डेंजर और डेंजर के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा था और बिटकॉइन की पिक्चर लगी, तो उस वीडियो में आपने बिल्कुल क्लियर कट मैंने बताया था कि अभी खतरा टला नहीं है। और वहाँ पर मैंने आपको फिर बताया था कि फिर वापस उसी लेवल को रिटेस्ट कर सकता है जो कि 30,000 और 28,000 वाला लेवल है। तो जहाँ तक बिटकॉइन ने लो लगाया है वहाँ पर एक बार आउट टेस्ट कर सकता है। अभी आप देखोगे तो मार्केट सडन डाउन आई है और अभी 40,000 41,000 के आसपास प्राइस था, तो आप देख सकते हो कि लगभग 37,000 के आसपास प्राइस चल रहा है। देखो यहाँ पर मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है आपको किसी भी क्रिप्टोकरेंसी स्टॉक या फॉरेक्स की अपडेट के लिए। यहाँ पर बेसिकली देखो क्या हुआ, इस फॉलिंग चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है नीचे के साइड, और ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस ने उसको जाकर ऊपर रिटेस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडल ने, यानी कल के दिन की कैंडल ने, जिसमें आपको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी है, तो मार्केट ने रिटेस्ट किया था। दूसरी चीज़, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये एक बेरिश साइन है। यहाँ पर दोस्तों अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है हमें डेली, तो बिटकॉइन का प्राइस आगे भी आपको नीचे जाता दिखाई पड़ सकता है। देखो मार्केट जब भी गिरती है तो कुछ इस तरह से गिरती है फिर थोड़ा सा चढ़ती है फिर गिरती है, तो हमें यहाँ पर यह देखना होता है कि पिछला हाई यहाँ पर बना तो पिछला हाई यहाँ पर बना रही है, यानी यहाँ को देखते हुए मार्केट यहाँ पर कमज़ोर है। तो सिंपल सी अपडेट है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस डाउनसाइड मूवमेंट कर सकता है। देखो यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि प्राइस ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम दो दिन में नीचे है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। सबसे क्रिटिकल कंडीशन जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, ये एक बहुत ही बेरिश कंडीशन होती है। और फिर एक रेंज का ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे आया है, अच्छी खासी गिरावट की है, प्राइस ऊपर जाकर उसी चैनल के लेवल को रिटेस्ट किया है। यहाँ पर आप गौर से देखो तो इस चैनल के पास ही ये तो कैंडल गई थी ना कल वाली, जो वाइट कलर की कैंडल है बुलिश, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो मैंने कल अपडेट की थी इसीलिए की थी, बार बार बिटकॉइन की प्राइस की डेली अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की डेली अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको ऑनेस्टली समझ में आए और हमारी तरफ से जो अपडेट्स मिले वो आपको ऑनेस्टली मिले। तो यहाँ पर बेसिकली देखो वही बात करूँगा जो कल बिटकॉइन की जो प्राइस की अपडेट थी वही आज भी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेवल जो जोन बनी है यहाँ पर ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगी, 30,000 के आसपास 34,000 के आसपास प्राइस पहले टारगेट हमको दिखा सकता है। ये जोन भी अगर ब्रेक होती है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 25,000 का। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कल की जो अपडेट थी यहाँ पर आज के दिन उसने काम किया है। तो वो रात में ही मैंने उसको, हालांकि थोड़ा सा लेट नाइट मैंने उसको पोस्ट किया था, लेकिन मैंने ये सोच के किया था कि कर दो ताकि जो चीज़ें हैं मार्केट किस तरीके से चल रही है वो चीज़ें समझ में आ सकें। अब चलो यहाँ से इथेरियम के चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखो इथेरियम में बहुत ही सिंपल अपडेट है, यहाँ पर मैंने चार्ट को आपके सामने लगाया हुआ है और बहुत ही सिंपल अपडेट है, यहाँ पर मैं बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ आप देखोगे तो प्राइस ने एक सपोर्ट पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था जिस पर आकर अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 200 पीरियड के नीचे प्राइस नहीं है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। 200 पीरियड के ऊपर है प्राइस, तो जब तक ऊपर है जब तक के तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे करता रहेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम अगर हम बात करेंगे तो इसके प्राइस में क्या हो सकता है, क्या होंगे इसके, अगर ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ से मिल सकता है, अगर नीचे आता है तो हमें सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है। देखो दोस्तों यहाँ पर एक सबसे तगड़ा सपोर्ट तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर मैं एक लाइन को लगा देता हूँ थोड़ा सा इसके बीच में जोन के, तो एवरेज समझ में आ जाएगा, तो उसके आसपास प्राइस जाएगा। देखो एग्जैक्ट की बात मत करना कि सोचो कि एग्जैक्ट क्यों नहीं किया, तो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता पाता है। तो यहाँ पर 2000 का लेवल निकल कर आ रहा है जहाँ पर प्राइस ने रिटेस्ट किया था, 2000 से भी थोड़ा सा नीचे आया था, तो ये वापस इस रेंज में आ सकता है 2000, ठीक है। अगर इस रेंज को नहीं तोड़ता है तो एक बार इथेरियम फिर से बुलिश हो सकता है, अदरवाइज़ इस रेंज को तोड़ता है तो फिर प्राइस हमें और नीचे देखने को मिल सकता है। क्या होंगे लेवल बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेवल को अगर दिखाते हैं तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि लगभग 1894 यानी 1894 तक इथेरियम डाउन आया था, और यहाँ पर अगर इसके हाई की बात करोगे तो हाई का लेवल ये था 4354।
तो अगर यहाँ से देखो प्राइस ने इस पॉइंट से ऊपर जाने की, इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल को तोड़ा, तो यहाँ पर एक जोन थी जो ब्रेक नहीं कर पा रहा है प्राइस। अगर हम यहाँ पर एक जोन को क्रिएट कर देते हैं तो इस तरह से हम एक जोन को क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है अभी फ़िलहाल इस जोन के अंदर फंसा हुआ है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है 2475 का, यानी 2475 का अगर ब्रेकडाउन होता है नीचे के साइड, तो यहाँ पर प्राइस आपको नीचे आता दिख सकता है। देखो यहाँ पर अगर हम 4 आवर्स के चार्ट पर चलते हैं तो 4 आवर्स पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो ये रेंज यहाँ पर बन के आ रही है। यहाँ पर अगर सपोर्ट मिलता है इसको, यहाँ पर अगर इसको सपोर्ट मिलता है लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राइस बेयरिश दिख रहा है। इस जोन से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है, 2700 के आसपास प्राइस ऊपर के साइड चल सकता है, लेकिन अगर ये जोन का ब्रेकडाउन हुआ है नीचे होता है तो फिर आपको प्राइस यहाँ पर जो रेड जोन यहाँ पर दिखाई पड़ रही है ना, जो इसने पिछला लो लगाया था उस जोन में जाने की कोशिश करेगा जो कि लगभग 2000 की है। तो यहाँ पर आप समझो इस चीज़ को कि यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 4 आवर्स पर प्राइस 200 पीरियड के नीचे भी है और यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ था 2050 का। यहाँ पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस और यहाँ पर आके इसने रिटेस्ट इसको किया है। इतनी बड़ी एक गिरावट करने के बाद प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक रिटेस्ट किया है और वहाँ से डाउन गिरा है। तो आप समझ सकते हो, देखो ये सब अगर बिटकॉइन की, मैंने कल के दिन अपडेट डाली थी तो बिटकॉइन को तो आप जानते ही हो, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि ऊपर आई बटन के ऊपर उस वीडियो का लिंक है, उस वीडियो पर भी जाकर आप देख सकते हो उसको। तो उसमें मैंने क्लियर बोला था कि मैं बिटकॉइन की अपडेट यहाँ पर कर रहा हूँ और बिटकॉइन को देखकर ही बाकी क्रिप्टो करेंसी ऑल्ट कॉइन्स वगैरह सब आगे मूव करेंगे। तो वहाँ पर बिटकॉइन की अपडेट हो जाने से ही आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन सकता है आगे। तो यहाँ पर आपको मैंने इथेरियम के भी लेवल अच्छे से दे दिए। अब चलते हैं आखिरी क्रिप्टो टोकन की तरफ, XRP पर। तो दोस्तों यहाँ पर XRP में भी बिल्कुल सिंपल सी अपडेट है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। खुद के एनालिसिस जिस तरीके से करता हूँ वही तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैंने XRP की प्राइस की अपडेट कुछ दिन, मतलब आज से 4-5 दिन पहले डाली थी, जब प्राइस बिटकॉइन का प्राइस डंप नहीं हुआ था, तो वहाँ पर मैंने आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखाया था जो कि ये है, ठीक है। इसके अंदर प्राइस फंसा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने क्लियर कट बोला था कि प्राइस ऊपर जा सकता है लेकिन जब उसका ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद वहाँ पर बाइंग बनाने की कोशिश करना। तो किसी भी बंदे ने उस वीडियो को देखने के बाद बाइंग नहीं बनाई थी और बोला था मुझसे कमेंट्स में कि जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ बाई करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ऊपर के 3 हाईज और नीचे के 3 लोज यहाँ पर लगे थे और एक परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ था। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल को मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे किसी भी वीडियो में अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैं जिक्र करता हूँ तो वहाँ पर आपने सुना ज़रूर होगा मेरे मुँह से। XRP वाले वीडियो में भी आपने सुना होगा, ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करना तो XRP वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर सिंपल सा मैं बोलता हूँ कि देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चाहे अप ट्रेंड में बने चाहे डाउन ट्रेंड में बने, उसका कोई धर्म ईमान नहीं होता है, ठीक है। अगर सरल शब्दों में बोलेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का कोई धर्म ईमान नहीं होता है, जिधर वो ढाल देखता है उधर वो लग जाता है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर सकता है, प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ऊपर ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने इस पॉइंट तक जाकर पूरा सम्मान किया इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का और प्राइस नीचे के साइड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिटेस्ट कर रहा है प्राइस उसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, जहाँ से ये लोअर बैंड को, लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आया है। ब्रेक करने के बाद आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिली, कल के दिन तेज़ी देखने को मिली थी, मार्केट रिकवर हुई थी। यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर इन्होंने XRP ने अपने आप को रिटेस्ट किया है, प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो फिर बात वही आती है कि यहाँ पर वापस इस जोन पर आ सकता है, कि यानी कि 2 लेवल हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, 0.88 सेंट और 0.78 सेंट। तो ये एक जोन है, यहाँ तक रहता है प्राइस, अगर इस पर सपोर्ट लेता रहता है तो जब तक के तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन करके नीचे के साइड आया तो फिर अच्छी खासी गिरावट होगी और वहाँ पर मैं फिर अपडेट करने की कोशिश करूँगा तीनों क्रिप्टो करेंसी को। और इन तीनों क्रिप्टो करेंसी के अपडेट जब आपको मिल जाए तो आप समझ लिया करो कि ऑल्ट कॉइन्स USDT के पेयर में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं वहाँ पर, मतलब जो भी मैं अपडेट करूँगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिर्फ बेसिकली अगर देखा जाएगा तो बिटकॉइन के प्राइस की ही अपडेट अगर आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आप आगे का सिनेरियो समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। अभी यहाँ पर देखोगे तो लगभग ये जो जोन, ये जो ग्रीन कलर की जोन है, यहाँ पर एक परफेक्ट
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर एक रिएक्शन मिल रहा है प्राइस को और एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर इसको रिएक्शन मिला है आज की कैंडल में, तो यहाँ से प्राइस इस रेंज तक आ सकता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, तो हमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। बिटकॉइन का प्राइस डेली चार्ट पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल है मामला, लेकिन बस बात वही आ जाती है कि अगर बिटकॉइन नीचे की साइड मूव करेगा तो फिर तो सारी ऑल्ट कॉइन्स वगैरह जितनी भी क्रिप्टोकरेंसी है, होल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में सभी डाउन हो जाएगी। तो कहने का मतलब बेसिकली दोस्तों बस इतना सा है यहाँ पर, इस सिंपल से अपडेट करने की कोशिश करी है। तीन ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर मैंने लिए हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल, ठीक है। तीनों ही ऑल्ट कॉइन्स की आपको हमेशा ख्वाहिश होती है कि इसकी अपडेट की जाए, तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल से और कट टू कट बात की है, यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा लेंथी नहीं किया है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में यानी ऑलमोस्ट 10 to 11 मिनट्स में यहाँ पर मैंने आपको तीन क्रिप्टोकरेंसी की बहुत ही डिटेल से अपडेट देने की, बहुत ही सरल तरह से अपडेट देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करेंगे कि आप मेरे इस एफर्ट को सराहेंगे, पसंद करेंगे तो उसकी शक्ल में आप एक लाइक कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि उनको नेक्स्ट टाइम अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर जो भी आपको अपनी मर्ज़ी से करना है दोस्तों, यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट किसी यूनिक कंटेंट के साथ मिलता हूँ आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।